नमस्कार, अपने लोकेश पांडे चैनल के प्रतिदिन तरह से हम आपको बताते हैं कि कानून के बारे में एक एक चैप्टर एक छोटा छोटा क्लिप टाइप के प्रतिदिन देंगे जो जनहित में और आपको लोकहित में आम आदमियों को जानकारी होगी कानून के बारे में। आज हम बताते हैं कि पुलिस संरचना बिल्कुल बताना आवश्यक कि आखिर जिले के पुलिस की व्यवस्था क्या है। दोस्तों बताते हैं कि एक पूरे ज़िले में या अन्य राज्यों में जिसको जनपद बोलते हैं, बिहार में जिसको राज्य आपको जिले बोलते हैं, जिले में एक एसपी मालिक होता है जिसको जहां एसपी बैठते हैं उसको आप एसपी ऑफिस बोलते हैं। उसी ऑफिस में एक डीएसपी रैंक के बैठते हैं जिनको आपके हेडक्वार्टर डीएसपी बोलते हैं। इसके अलावा एसपी के अलावा अब जितने जो अनुमंडल स्तर पर एक एक पुलिस डीएसपी रैंक के बैठते हैं दोस्तों, उनको कहते हैं आपको एसडीपीओ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर जो डीएसपी रैंक के होते हैं। इसके साथ में सहयोग करने के लिए आपको पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के बैठते हैं जिसको बोलते हैं सर्कल इंस्पेक्टर ऑफिस। जहाँ जहाँ अनुमंडल के दो भागों बांट देते हैं दोस्तों, वहाँ सीआई बैठते हैं और सारे सीआई को समेकित करते हुए फिर अंत में उसी जिले में जहाँ प्रमुख रूप से एक थाना की आपको थाना होता है जिसको पुलिस स्टेशन कहते हैं, उस थाने में तीन कड़ी के लोग बैठते हैं। शहरों में इंस्पेक्टर रैंक के एक व्यक्ति होते हैं, वहाँ पर एक ऑफिसर आपको दूसरे एसआई कैटेगरी के कई की संख्या में होते हैं, तीसरे होता है आपके एएसआई जो कई संख्याएं में होते हैं, हौलदार होते हैं, कांस्टेबल होते हैं। दोस्तों विस्तार से शॉर्ट बताते हैं कि जो थाने का जो इंचार्ज होते हैं, शहरी थानों के पुलिस इंस्पेक्टर लेवल के जो वहाँ के इंचार्ज होते हैं, इसको बोलते हैं कि एसएचओ कम पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस इंस्पेक्टर कम एसएचओ, या और रिमोट थाने में चलते हैं जहां आपको एसआई रैंक होती है जिसको थाना अध्यक्ष या एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसका बोला जाता है। उसके साथ साथ आपको एस इंस्पेक्टर रैंक लेते हैं जो यहां दो कड़ी होता है हर थाने में। एक कड़ी होता है अनुसंधान विभाग की कड़ी जिसको सहयोग करना है, दूसरा होता है विधि व्यवस्था विभाग जो दोनों भाग को खंडित करते हुए वहाँ के इंस्पेक्टर इंचार्ज एसएचओ इसको बंटवारा करते हैं। दोस्तों इसके बाद इन लोगों के कार्य को देखने के लिए सर्कल इंस्पेक्टर की व्यवस्था की गई है। इन दोनों को कार्य देखने के लिए आपके एसडीपीओ यानी डीएसपी रैंक की व्यवस्था की गई है। इन सबको देखने के लिए आपको पुलिस जो अधीक्षक यानी एसपी या एसएसपी लेवल के अधिकारी देखते हैं। दोस्तों बताते हैं कि पूरे जिला को एसएसपी को देखने के लिए एक ऊपर एक आईजी डीआईजी रैंक होते हैं। जहाँ डीआईजी बैठते हैं उसको रेंज डीआईजी, रेंज आपको क्षेत्र कहा जाता है। जहां आईजी लेवल बढ़ते हैं उसको जोनल, उसको क्षेत्र बोलते हैं। उसको पूरे जिले को बिहार पुलिस जिला जाए वहाँ एक जो पटना में एक जो बैठते हैं जहां डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस, वहाँ डीजीपी बैठते हैं जिसकी अपनी व्यवस्थाएं कई शाखाएं हैं। दोस्तों इतना बात आपको बताना आवश्यक है। कल से बताएंगे सबकी कार्य वितरणी कार्यशैली। दोस्तों कल ऐसी टिप बताते रहेंगे। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम।